हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू होम्योपैथ। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHMS फर्स्ट ईयर 2023 से जो सिलेबस चेंज हुआ है। इस वीडियो में हम इन डिटेल बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस क्या है एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखो। तो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट्स फॉर फर्स्ट ईयर BHMS, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर BHMS में? तो 6 सब्जेक्ट्स हैं: ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एंड रेपेट्री। अभी 23 एंड 24 से जो है फर्स्ट ईयर 1.5 साल का हो गया है। पहले जो है सिर्फ 1 साल का होता था, इसीलिए फर्स्ट ईयर में जो है सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स होते थे और ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट होता था, उसके पेपर्स नहीं होते थे। लेकिन जो 23 एंड 24 से आप लोगों को जो सिलेबस चेंज हुआ है, इसमें आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स के थ्योरी पेपर होंगे वो देखते हैं हम। ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, ये 5 सब्जेक्ट्स के आप लोगों के थ्योरी पेपर्स होंगे। रेपेट्री जो है वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना है आप लोगों को, उसके थ्योरी पेपर्स नहीं होंगे। मार्किंग स्कीम से हम बात करें तो एनाटॉमी फर्स्ट वन, थ्योरी के 2 पेपर्स होंगे एनाटॉमी के, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क का होगा, पेपर 2 100 मार्क का होगा। प्रैक्टिकल एंड वाइवा जो होगा वो 200 मार्क्स के होंगे। अब हम पेपर पैटर्न की बात करें तो MCQ 10 मार्क्स का आएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 50 मार्क्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 40 मार्क्स। पेपर 1 एंड पेपर 2 का पेपर पैटर्न जो है ये सेम है। अब हम सिलेबस की बात करें एनाटॉमी पे, तो पेपर 1 में आप लोगों को क्या क्या कवर करना है। फर्स्ट 1 जनरल एनाटॉमी, हेड नेक एंड फेस, अपर एक्सट्रीमिटीज़, CNS एंड एम्ब्रियोलॉजी। पेपर 2 में क्या क्या आप लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट 1 इज थोरैक्स, एब्डोमिन एंड पेल्विस, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ एंड हिस्टोलॉजी। नाउ नेक्स्ट 1 फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के भी सेम थ्योरी पेपर जो होंगे वो 2 होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। जैसे एनाटॉमी का था सेम, वैसे ही फिजियोलॉजी का भी 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क का होगा, पेपर 2 100 मार्क का होगा। प्रैक्टिकल एंड वाइवा 200 मार्क्स के होंगे। पेपर पैटर्न की हम बात करें तो MCQ 10 मार्क्स के होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 50 मार्क्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 40 मार्क्स। सेम पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए सेम पैटर्न है पेपर का ये। अब हम सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट 1 इज़ जनरल फिजियोलॉजी, बायोफिजिक्स एंड साइंस, स्किन, बॉडी फ्लूइड एंड इम्यूनिटी, नर्व एंड मसल्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रीनल सिस्टम। तो ये थे पेपर 1 के सिस्टम जो आप लोगों को पेपर 1 के लिए पढ़ना है। पेपर 2 की बात करें तो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, स्पेशल सेंसेस एंड बायोकेमिस्ट्री। आप लोगों को पेपर 2 के लिए ये 6 सिस्टम्स आप लोगों को पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट होम्योपैथिक फार्मेसी। अब होम्योपैथिक फार्मेसी की हम बात करें तो होम्योपैथिक फार्मेसी का सिर्फ 1 ही थ्योरी पेपर होगा सिंगल, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही पेपर होगा 100 मार्क का। प्रैक्टिकल एंड वाइवा जो होंगे 100 मार्क के होंगे। तो टोटल 200 मार्क्स का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल होगा। पेपर पैटर्न जो है MCQ 10 मार्क्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो 40 मार्क्स के होंगे। नाउ नेक्स्ट 1 ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का भी सेम थ्योरी पेपर 1 ही होगा 100 मार्क का, प्रैक्टिकल एंड वाइवा मिला के आप लोगों को 100 मार्क्स होंगे। पेपर पैटर्न की हम बात करें ऑर्गेनॉन के, तो MCQ जो है 10 MCQ आएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। अब मटेरिया मेडिका की बात करें तो मटेरिया मेडिका का भी 1 ही पेपर होगा 100 मार्क का, प्रैक्टिकल एंड वाइवा 100 मार्क्स के होंगे। पेपर पैटर्न मटेरिया मेडिका का कैसा होगा, MCQ 10 मार्क्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 40 मार्क्स। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझा होगा कि आप लोगों को क्या क्या सिलेबस है, पेपर पैटर्न कैसे है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।